हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज हम करने वाले हैं मारवाड़ के राव चंद्रसेन और बीकानेर के रायसिंह से संबंधित सभी प्रश्न। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको इन हर क्वेश्चन पर ध्यान देना है और आपको यहीं पर लर्न करते हुए चलना है। तो लास्ट वीडियो हमने महाराणा प्रताप का किया था, यदि आपने वहाँ अच्छे से वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राव चंद्रसेन का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? मारवाड़ के राव चंद्रसेन का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है, इनका जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 11 जनवरी 1581 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राव चंद्रसेन के माता पिता का क्या नाम था? तो राव चंद्रसेन के पिता का नाम था मारवाड़ के मालदेव और इनकी माता का नाम था रानी स्वरूप देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव के कितने पुत्र थे? मालदेव के कितने पुत्र थे? तो मारवाड़ के मालदेव के पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे राम, उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह, उसके बाद राव चंद्रसेन और सबसे छोटे थे रायमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मालदीव से रानी स्वरूप देव ने कहकर किसे मारवाड़ का युवराज बनाया? तो रानी स्वरूप देव ने मारवाड़ के जो मालदीव थे उनसे कहकर किसे मारवाड़ का युवराज बनाया? तो राजपूतों में ये परंपरा थी कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही युवराज बनता है, वही उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन रानी स्वरूप देव ने राम को उत्तराधिकारी ना बनाकर राव चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया, उनकी योग्यताओं को देखकर। तो जिस तरीके से मेवाड़ में महाराणा प्रताप जाने जाते हैं, उसी तरीके से मारवाड़ में राव चंद्रसेन जाने जाते हैं। राव चंद्रसेन कब शासक बने? तो राव चंद्रसेन 1562 ईस्वी, 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में मारवाड़ के शासक बने, मारवाड़ में जोधपुर के शासक बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मालदीव का कौन सा पुत्र अकबर की शरण में गया था? तो इसका सही आंसर है बड़ा बेटा राम। क्योंकि जो राम था उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था, तो ये नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किसके नेतृत्व में अकबर ने मारवाड़ में जोधपुर किले पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी? तो किसके नेतृत्व में भेजी थी अकबर ने? अकबर ने मारवाड़ में जोधपुर किले पर कब्जा करने के लिए हुसैन खां कुली को भेजा था। याद रखना है इसे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है 8, अकबर का जोधपुर किले पर कब्जा कब हुआ? तो अकबर ने हुसैन खां कुली को भेजा था, तो उनकी सेना ने जोधपुर पर कब्जा 1564 ईस्वी में कर लिया था। तो राव चंद्रसेन जो है वो 1562 ईस्वी में जोधपुर के शासक बने थे, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाए थे, वो 2 सालों तक ही रह पाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर कहाँ शरण ली? जब जोधपुर पर अकबर का कब्जा हो गया था तो वहां से मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे वो भाद्राजून भागकर चले गए थे, क्योंकि वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो जिस तरीके से मेवाड़ में महाराणा प्रताप जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, उसी तरीके से राव चंद्रसेन का जीवन भी निकला। नागौर दरबार के बाद किसे अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया? अब जोधपुर में कोई भी शासक नहीं था, तो अकबर अपनी तरफ से ही शासक बनाता है। तो जब 1570 में नागौर दरबार में सभी राजपूत कुछ को छोड़कर सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उन्हीं में से बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। नेक्स्ट है, विस्मृत नायक और भूला बिसरा राजा के नाम से मारवाड़ के कौन से शासक जाने जाते हैं? तो देखिए, भूला बिसरा राजा और विस्मृत नायक के नाम से जाने जाते हैं राव चंद्रसेन, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है और हमें उनके बारे में सुनने को भी मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है, लेकिन राव चंद्रसेन वो भी
मेवाड़ के महाराणा प्रताप की तरह ही संघर्ष करते रहे, फिर भी उनके बारे में इतनी अधिक जानकारी नहीं मिलती है जैसे कि इतिहास ने उन्हें भुला ही दिया हो। तो इसीलिए इन्हें भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, भादरा जून से चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं? तो जोधपुर से वह भादरा जून जाते हैं और भादरा जून से चंद्रसेन जो है वह अपने भतीजे कल्ला जी के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट है जब वहां भी उन्हें अपने अच्छा नहीं लगता है तो सोजत से राव चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं? तो जब कल्ला जी के पास थे तो वहां भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वहां से वो स्विवाणा चले जाते हैं जो कि बाड़मेर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज वहां पर इन्हें नोट करते जाइए, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही हैं ये चैप्टर्स। राव चंद्रसेन की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो राव चंद्रसेन जीवन भर संघर्ष करते रहे, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंतिम समय वह पाली में उनकी मृत्यु हुई थी। पाली में सचियाय नामक स्थान पर जो कि सारण की पहाड़ी के पास है वहां इनकी समाधि बनी हुई है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है राय सिंह किसके पुत्र थे? तो देखिए हमने अभी मारवाड़ के राव चंद्रसेन इनके बारे में डिटेल से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम देख रहे हैं बीकानेर के राय सिंह, ये वही राय सिंह है जब जोधपुर पर अकबर ने कब्जा कर लिया था तो उसके बाद बीकानेर के राय सिंह को वहां पर अधिकारी नियुक्त किया था 1572 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो राय सिंह थे ये बीकानेर के कल्याणमल राठौड़ के बेटे थे। किसके बेटे थे? बीकानेर के कल्याणमल राठौर के। तो देखिए क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप जो है वो एक स्टोरी सी माइंड में बना के रखिए क्योंकि तभी आप इनको अच्छे से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है बीकानेर के राय सिंह का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 ईस्वी को। तो आपको ये याद रखने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी क्योंकि जब मारवाड़ के राव चंद्रसेन इनका जन्म हुआ था 1541 में ही, तो इसी समय बीकानेर के राव सिंह का जन्म भी हुआ था, दोनों ही सेम एज के थे। और इनकी मृत्यु जो है वो 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है, और वहीं हम अगर राव चंद्रसेन की बात करते हैं तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अभी हमने देखा था कि जो बीकानेर सॉरी मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे उनकी मृत्यु 1581 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है राय सिंह जब जोधपुर के शासक बने तो किसने नागौर में विद्रोह किया? तो आप है ना राय सिंह जैसे पढ़ रहे हैं तो आप इनके आगे बीकानेर भी लगाएं क्योंकि इसी से आप याद रखेंगे कि कौन से जो राजा थे उनकी बात हम कर रहे हैं वो कहाँ के थे। तो बीकानेर के राय सिंह जब जोधपुर के शासक बने तो किसने नागौर में विद्रोह किया? तो इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह किया जब राय सिंह बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का शासक अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, दत्ताड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? दत्ताड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध जो था वह 1583 ईस्वी में जगमाल और सिरोही के देवरा सुरतार सुरताड़ के बीच हुआ था। याद रखना है जगमाल और सिरोही के देवरा सुरताड़ के मध्य। तो जगमाल ये वही है जो कि महाराणा प्रताप के भाई थे। 1583 ईस्वी में जगमाल और सिरोही के देवरा सुरताड़ के मध्य हुआ था और इसमें जगमाल की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है 19, राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी? बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि देने वाले थे अकबर। क्वेश्चन 20, बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण किसने कराया? बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर है राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 94 ईस्वी तक जूनागढ़ का निर्माण कराया। याद रखना है जूनागढ़ का निर्माण करने वाले कौन थे? बीकानेर के राय सिंह, और किसकी देखरेख में? अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। इस चीज को याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, रायसिंह प्रशस्ति का रचयिता कौन था? रायसिंह प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो इसके रचयिता जो थे वो थे जयता कवि। ठीक है, याद रखना है इसको, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता थे जयता कवि। नेक्स्ट है रायसिंह ने कौन कौन से साहित्य लिखे? तो रायसिंह जो है उनके समय में बहुत सारी चीजों का निर्माण भी हुआ, ये साहित्यकार भी थे कवि भी थे, और रायसिंह ने रायसिंह महोत्सव, वैदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधनी नामक टीका लिखा। तो ज्योतिष के भी ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो रायसिंह ने रायसिंह महोत्सव, वैदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधनी नामक टीका लिखा, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है वो आपको तो याद रखने ही हैं, इनको बार बार आप अपने मुंह से ही बोलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसका खुद याद करके और आंसर जो है वो लगाने की कोशिश करिए। बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण जो है वो रायसिंह ने करवाया था अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। राय प्रशस्ति जो कि इनके समय में ही इसकी रचना हुई थी, और कवि कौन थे? जयता कवि। और रायसिंह ने साहित्य लिखे, रायसिंह महोत्सव, वैदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधनी नामक टीका भी लिखा। क्वेश्चन 23, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनक काव्य ग्रंथ में रायसिंह को क्या पुकारा गया है? कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनक काव्य ग्रंथ में रायसिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। ठीक है, याद रखना है रायसिंह रा से स्टार्ट है और राजेंद्र रा से स्टार्ट है, तो रायसिंह को राजेंद्र कहाँ कहा गया, किस ग्रंथ में कहा गया? कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनक काव्य ग्रंथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके शासन काल में मानी जाती है? तो ये भी बीकानेर के रायसिंह के शासन काल में ही मानी जाती है। तो आज हमने दो शासकों के बारे में पढ़ा, मारवाड़ के राव चंद्रसेन और बीकानेर के रायसिंह। तो इनसे रिलेटेड सभी प्रश्न जो है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके सेकंड चैप्टर जो है उसमें से कहीं से भी प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।